हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका द फिजिक्स कोचिंग में। हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की सिक्स क्लास है। आज की क्लास की लिंक आपको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है उसमें मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और पीडीएफ प्राप्त करें। ओके, और वीडियो को लाइक करें, अपने फिजिक्स दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेडियोएक्टिविटी। नाउ द रेडियोएक्टिविटी इज मींस फिनोमिना ऑफ spontaneous disintegration attend with emission of electromagnetic radiation, यानी कोई एटम है या न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है यानी कि टूट रहा है with electromagnetic radiation के साथ। तो इस तरह के फिनोमेना को क्या कहते हैं हम, रेडियो एक्टिविटी। फॉर द न्यूक्लियस For heavy nucleus, the neutron-proton ratio should be 1.5 greater than 1.5. जैसे कि एग्जाम्पल यूरेनियम रेडियम न्यूक्लियर डिके occur to attain stability. हर न्यूक्लियस स्टेबल होना चाहता है, दुनिया में हर कोई स्टेबल होना चाहता है तो न्यूक्लियस क्यों नहीं। ओके, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू एनर्जी ई बराबर एम सी स्क्वायर। ओके, तो व्हेन इट विल रिलीज द एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट न्यूक्लियस विल गो टू स्टेबिलिटी। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ डिके इज एन टी एट टाइम टी नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट टाइम टी इनिशियल न्यूक्लियस e टू पावर माइनस लेमडा टी, लेमडा इज डिके कॉन्स्टेंट, अपन ने ये छोटी क्लासों में पढ़ाई है। हाफ लाइफ इज 0.693 अपॉन लेमडा, लेमडा इज डिके कॉन्स्टेंट। ओके, नो एवरेज लाइफ इज ऑल्सो मीन लाइफ। न मीन लाइफ इज टो इज इक्वल टू 1/λ। नेचुरल रेडिएक्टिव सीरीज, नेचुरल मीन्स जो अपने अर्थ पे इजीली मिल जाते हैं। ओके, जिनको हम बनाते अपने लैब में क्रिएट नहीं करते हैं। दीज आर थोरियम नेपच्यूरियम यूरेनियम एक्टिनियम। थोरियम इज 4n सीरीज, नेपच्यूनियम इज 4n+1, यूरेनियम 4n+2 एंड एक्टिनियम 4n+3। द शॉर्ट ट्रिक इज टीनुआ, TNUA। ओके, नेक्स्ट पेज। यूनिट ऑफ एक्टिविटी, द ओनर ऑफ मैडम क्यूरी विथ रिस्पेक्ट 1 क्यूरी इज 3.7×10^10 डिस इंटीग्रेट पर सेकेंड। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस इंटीग्रेशन सीरीज ऑफ द हेवी एलिमेंट विल गिव बिस्मिथ
209 as the stable nucleus. 209 we divide by 4 is equal to 52 into 4 plus 1, and this series is 4 n plus 1 is Neptunian series, thorium, neptunium, uranium and actinium. Now this is n, 4n plus 3, this is 4n plus 1. Okay, and this is 4n, 4n plus 1, 4n plus 2. Next page, half life of the of a radioisotope is 4 into 10 to power 8 year if these are 10 to power 3 radioactive nucleus. In a sample today, the number of such nuclei in the sample 4 into 10 to power 9 year ago were, apne ko isne time de diya hai, half time de diya hai, number of nuclei de diya hai. Okay, we know the decay equation, we put it in. This is decay equation, n at time t at initial decay constant and time. Okay, given 10 to power 3 is equal to n naught e to power minus 0.693 into 4 into 10 to power 9 upon 4 into 10 to power 8. This is equal to this. Now when we solve it, we get n naught equal to 1024 into 10 to power 3. Next question is, a radioactive element X decay to Y, which term decay to a stable element? The decay constant from X to Y is lambda 1 and from Y to Z is lambda 2. If to beginning with there are only n naught atom of X naught at short time t is less than 1 upon 2 lambda 1 as well as 1 upon lambda 2, the number of atom of Z will be, okay, this is question. The solution is, we know X from the question, X convert into Y, Y convert into Z with decay constant lambda 1 and lambda 2. Now let X and NX and NY and NZ are number of atom of X, Y and Z element respectively. At lambda 0, NX is equal to N naught. According to such radioactive transformation, dNX upon dt is equal to minus lambda 1 NX. Okay. dNY upon dx is equal to lambda 1 naught n naught minus lambda 2 ny. Okay, and dNz dt is equal to lambda 2 ny. Solving equation 1, 2 and 3. After solving
एन वाई इज इक्वल टू लेमडा वन लेमडा नॉट लेमडा टू माइनस लेमडा वन ब्रैकेट ई टू पावर माइनस लेमडा वन टी माइनस ई टू पावर माइनस लेमडा टू टी ब्रैकेट इज इक्वल टू लेमडा वन जीरो अपॉन लेमडा टू माइनस लेमडा वन एंड दिस इज इक्वल टू वन माइनस लेमडा वन टी माइनस वन माइनस लेमडा टू टी ओके ई एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स ऑलमोस्ट वन प्लस एक्स ओके लेमडा वन एन नॉट अपॉन लेमडा टू माइनस लेमडा वन इंटू लेमडा टू माइनस लेमडा वन टी इज इक्वल टू लेमडा वन एन नॉट टी बाई इक्वेशन थ्री वे पुट द वैल्यू ऑफ ऑफ एन वाई डी एन जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू लेमडा टू इंटू लेमडा वन लेमडा नॉट लेमडा टी एंड वेन वी इंटीग्रेट इट देन एन जेड इज इक्वल टू वन बाय टू लेमडा वन लेमडा टू लेमडा नॉट टी टू पावर टू दिस इज योर आंसर नाउ व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिके ऑक्योर टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिके द फर्स्ट टाइप इज अल्फा डिके ऑक्योर व्हेन न्यूक्लियस इज टू लार्ज व्हेन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नंबर आर टू हाई तब अल्फा डिके ऑक्योर ओके व्हेन अल्फा डिके ऑक्योर द अल्फा पार्टिकल विल रिलीज इमिटेड then the range will be range of alpha particle will proportional to initial velocity cube okay and this is Geiger law the range energy relation is E naught we know the kinetic energy is equal to 1 upon 2 m v naught square Now the V naught is proportional to e to power 1 by 2. Okay. Now R will be equal to R equal to R proportional to V naught cube. Then E naught R proportional to E naught for low range, E naught proportional E naught to power 3 by 4 proportional to E naught to power 3 by 2. For medium range, E naught power 3 by 2 proportional to V naught cube, E naught square proportional to E naught for high range. Okay. Geiger neutral law. This law is relationship between decay constant and range. Decay constant is lambda naught is equal to a log r plus b, where r is same for all. Sorry, a is same for all, b is different for element. Now these are radium, thorium and actinium. The relation between log lambda log r. Okay. Alpha particle disintegrate energy. Now disintegrate energy is x convert. Suppose we have a element x with Z proton, a mass is convert into
y z minus 2 a minus 4 plus alpha plus some energy. Now this integration energy is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. Okay, this is for mass formula. Now this integration energy E is equal to K alpha A upon A minus 4, where K alpha is 1 upon 2 M alpha V alpha to power 2. Okay. For heavy nucleus, this integration energy almost equal to kinetic energy. Now alpha ray spectrum, suppose present time the energy is this, it come from ground state, then is this called alpha 1. When it come first excited state, then alpha 2, and when come is third excited, alpha 3, and so on, alpha 4, alpha 5. Now this energy gap, this when nucleus come from nucleon come from first excited state to ground state, yeah, second excited state to ground state, the energy releases in called gamma decay. Okay, the energy of gamma decay is equal to 8 upon a to power a minus 4 into K1 minus K2. Now questions. If an spontaneous alpha decay of uranium 92 238 at rest, the total energy released in a reaction is Q, then the energy carried by the alpha particle is, we know that this integrates energy is A upon A minus 4 into K alpha. Now K alpha is A minus 4 upon A is disintegrate. A is 232 minus 4 upon A 232 into Q, this is 57 upon 58 Q. The option A is correct. Second question. The disintegration energy is defined to be the disintegration in the rest energy between the initial and final state. Consider the following process. Plutonium 240 minus uranium 236 plus alpha particle. The emitted alpha particle has kinetic energy 5.17 mega electrovolt. The value of disintegration energy is, so the solution is, you know, E disintegration energy is A minus A upon A minus 4, and this is multiply by K alpha. Now this is 5.17 into 240 upon 236, and this is equal to 5.26, and option A is correct. Note, the velocity of alpha particle V alpha in also written as V alpha Q B R upon M, where Q is charge, B is magnetic field, R in radiation. That's all for today guys. Please video ko like karein, share karein apne physics doston ke saath,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का लाइक एम है 20, तो प्लीज़ डू इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।